बंधुओं, आदमी का जीवन प्रतिपल नए नए सवाल खड़े करता है। इसका कारण यह है कि हर थोड़े समय के बाद हालात बदल जाते हैं। किसी काम के लिए कल कुछ और सोच रहा था, उसी काम के लिए आदमी आज कुछ और सोच रहा होता है। आपने भी गृहस्थ और कारोबार में तरह तरह की बाधाओं का सामना किया होगा। बाधाओं को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय भी खोजे होंगे। कामयाबी पाने के लिए आपने उन रास्तों को भी चुना होगा जो काफी कठिन थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक आपको वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद लगाए आप लगातार अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हो। बंधुओं, कई बार आदमी का भाग्य कमजोर होता है, तो बहुत बार बदलती ग्रह दशाओं के कारण बनते हुए काम में अचानक कुछ ऐसी रुकावटें आकर खड़ी हो जाती हैं जिनके बारे में इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताऊंगी जिसे भावपूर्वक करने से आपके कठिन रास्ते भी आपको आसान होते हुए नजर आएंगे। कई बार इंसान की मेहनत और कोशिशें भी सफल नहीं हो पाती, लेकिन ऐसी स्थिति में अग्नि पुराण की एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए वरदान बन सकती है। आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी प्रार्थना के बारे में जानेंगे जिसे भावपूर्वक करने से मनुष्य बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने में सफलता प्राप्त करता है तथा एक छोटे से प्रयास से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रार्थना को करता है, उसके सभी मनोरथों की पूर्ति स्वयं महादेव करते हैं। इस प्रार्थना को करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता तथा उसे बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं प्रार्थना एवं प्रार्थना की विधि। अग्निदेव कहते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समय पर उठकर स्नान करना चाहिए, फिर देव पूजन के पश्चात इस प्रार्थना को प्रातःकाल और सायंकाल नियम पूर्वक करना चाहिए। हे महादेव, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, गंगा के वेग को सहन करने वाले हैं। आपकी कृपा से अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं तथा पंगु चलने में सक्षम हो जाते हैं। हे महादेव, मैं एक साधारण प्राणी हूँ, संसारिक मोह माया में उलझा हुआ हूँ। मेरी वर्तमान स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए मैं आज से प्रतिदिन आपके पंचाक्षर मंत्र का जप करूँगा। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। बंधुओं, इस प्रकार शुद्ध होकर 13 बार नमः शिवाय का जाप प्रातःकाल और 14 बार नमः शिवाय का जाप सायंकाल करें। सुबह जप के पश्चात सूर्य को जल अर्पित करें। शाम के समय जप के बाद जल किसी भी पौधे में डाल दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके कार्य की सिद्धि होनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।